हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे फ्रेंड। और मैं आई थी टेरेस में और अभी कपड़े उतारने के लिए, कपड़े मैंने धुल के डाले थे थोड़े से, मैं तो फेयर को ले गई थी और बाकी मैंने यहीं पे डाल दिए थे। और अमचूर वगैरह सुखाई थी तो वो भी मैंने यहाँ पर डाल रखी थी, तो अभी वो भी लेके जाना है। तो ये यहाँ पे मैंने रख दी है उठा करके ये प्लेट्स, तो बस इनको लेके जाएंगे। कल फिर डालनी पड़ेगी क्योंकि अभी सूख नहीं पाई है और देर हो गई मुझे उठाने में, तो वो थोड़ी सी ना सील सी गई हैं, होता है ना आजकल सील जाते हैं। और सूर्य अभी अस्त हुआ है या नहीं हुआ है पता नहीं है क्योंकि बादल है ना, तो समझ में नहीं आ रहा। आपको दिखाती हूँ मैं बैक कैमरे से। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से व्यू है, तो देखिए इस तरीके से बादल हैं, ये देखिए तो बस ऐसे बादल हैं। तो सोचा इवनिंग का टाइम हो गया है तो थोड़ा सा टेरेस में टहल के आऊँ। और होता है ना अंदर घुसे घुसे थोड़ा सा ना माइंड थोड़ा सा वैसा हो जाता है, और कूलर पंखे की हवा कब तक लेंगे, एसी में कब तक रहेंगे, तो बस यही है। तो यहाँ पे आ गई थी मैं टेरेस में, तो सोचा आप लोगों के साथ में व्यू शेयर कर दूँ। यहाँ का काफ़ी ग्रीनरी है, दूर तक काफ़ी अच्छा सा व्यू है। सो फ्रेंड, बुद्ध की मूर्ति तो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, बट आज फिर दिखाती हूँ मैं, थोड़े से दिखने लगे हैं तो ये देखिए जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बहुत बड़ी मूर्ति थी, बट ये जो ग्रीन ग्रीन सा घर दिख रहा है ये बन गया है ना, इस वजह से अब बुद्ध भगवान दिख नहीं रहे हैं। ये पार्क है आगे चल करके, और ज़्यादा बड़ा पार्क नहीं है, मतलब छोटा सा पार्क है लेकिन इतना छोटा भी नहीं है कि मतलब बच्चे खेल ना सके। बच्चों के झूले वगैरह लगे हुए हैं और शाम को बहुत सारे लोग टहलने वगैरह आते हैं। तो ये है पार्क, और भी पार्क हैं जो दूर हैं, काफ़ी बड़े बड़े पार्क हैं जो बहुत दूर हैं हमारे यहाँ से। तो यहाँ पे पार्क है और उसमें बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है, तो बहुत बड़ी बनी हुई है मूर्ति, तो आप देख ही सकते हैं जब घर के बराबर है। ये सेकंड फ्लोर ग्राउंड फर्स्ट एंड छत है उसकी, तो सेकेंड फ्लोर तक है ये देखिए। तो इतनी ऊँचाई में फिर भी ये इनका सर दिख रहा है, तो यही है। और ये यहाँ पर घर वगैरह बन गए हैं तो इनका कलर वगैरह हो रहा है ये सब, और बस यही है। मैं बस कुछ ये है हमारे यहाँ का व्यू, और देखिए कितनी ग्रीनरी है इस साइड, कितनी सारी ग्रीनरी है, और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है ये देखिए, तो काफ़ी अच्छा व्यू है देखिए। तो देखिए कितने, और बादल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत काले बादल आए हुए हैं। तो शाम का टाइम है तो बादल तो आ ही जाते हैं, बट बारिश वगैरह तो अभी कुछ दिनों से बंद है। और वो दिख रहा है बेटू का स्कूल, वो है आप लोगों को शायद दिख रहा हो, वो वाइट कलर का बड़ा सा, तो वो बेटू का स्कूल है। और शाम को देखिए पक्षी वगैरह सब उड़ रहे हैं, ये देखिए। सो फ्रेंड, ये पीछे की साइड, ये आगे की साइड है, मतलब मेरे पीछे है बट ये हमारा फ्रंट है। तो यहाँ पे ना यहाँ इस साइड सड़क है, यहाँ सड़क है और इस साइड भी सड़क है, दोनों साइड सड़क है, पीछे से भी सड़क निकल रही है, तो मतलब चारों तरफ से सड़क ही सड़क है। तो काफ़ी ज़्यादा वाहन वगैरह चलते रहते हैं, और वो डिग्री कॉलेज दिख रहा है वहाँ पर, और बहुत डिग्री कॉलेज बहुत हैं हमारे आसपास। तो बस यही था, तो सोचा आप लोगों से बात भी कर लूँ, बहुत दिनों से ब्लॉग वगैरह शेयर नहीं करे, सोचा आज आप लोगों से बात ही कर लेती हूँ। तो बस यही है, और अभी मकाई के भुट्टे वगैरह भूनेंगे तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी मैं, तो देखिएगा कैसे भूनते हैं मकाई के भुट्टे। तो खाने का मन था, हस्बैंड ने बोला कि चलो लेके आते हैं, तो वो गए हैं खेत लेने के लिए और लेकर के आएंगे, तो कंडे वगैरह जब लगा करके फिर देखते हैं अभी भूनते हैं या मॉर्निंग में भूनते हैं, कब भूनते हैं। अगर बादल तो हैं अभी, बारिश वारिश हो गई तो मॉर्निंग में ही। और ये देखिए गाड़ियों की इतनी आवाज़ आती है, इसी वजह से मैं अंदर बैठ करके ही वीडियो बनाती हूँ, बाहर नहीं आती हूँ ऊपर, तो बस ये है। तो बस जब बनाएंगे मकाई के भुट्टे भूनेंगे तब आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए थोड़ी देर मैं टहल लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो फ्रेंड, देखिए ये भुट्टे आ गए हैं, और ये मेरे खेत के भुट्टे हैं और लगे हुए थे खेत में, तो काफ़ी दिनों से लगे हुए थे, काफ़ी अभी मतलब सॉफ्ट से हैं, ज़्यादा वैसे स्किन इनकी टाइट नहीं हुई है, सॉफ्ट ही हैं अभी। तो जो खेत वाले जो रखवाली करते हैं तो उनको बोल दिया था कि तोड़ के रख लेना, तो हस्बैंड गए हुए थे तो लेकर के आ गए थे। तो बस देखिए आधी बोरी भर करके लेकर आए हुए हैं, और घर की चीज़ घर की ही होती है, इतना तो हम मार्केट से ख़रीदते तो बहुत महंगा पड़ता जा करके, क्योंकि भुट्टे तो आजकल बहुत महंगे हो रहे हैं। और मुझे भुट्टे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, मतलब कि इनके कॉर्न चाट भी बहुत अच्छी लगती है और इसकी कचौड़ियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं,
तो बस वही है। और यहाँ पे बस ये भुनते आ गए हैं, तो बस भूनेंगे, देखते हैं अभी भूनते हैं कि मतलब मॉर्निंग में भूनेंगे, देखती हूँ जैसे कुछ होगा तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कि देखिए मेरे खेत के भुट्टे हैं, और ये देखिए इतनी बड़ी बोरी है, खाद की बोरी है शायद, तो ये बोरी आधी बोरी भर करके आए हुए हैं भुनते। तो इसमें से थोड़े से मैं जो हमारे अगल बगल लोग रहते हैं उनको भी थोड़ा सा दे देंगे थोड़े थोड़े, और बाकी हम लोग अपने लिए यूज कर लेंगे। सो फ्रेंड, हस्बैंड को तो 4-5 साल हो गए इनको खाए बिना, और 4-5 साल से उन्होंने नहीं खाए हैं। अपने खेत की चीज़ कैसी ताज़ी तोड़ के लाए और खाए हों, तो बस वो लेकर के आए हुए हैं, तो उनको ज़्यादा एक्साइटमेंट है खाने की। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, तो हम लोग भुंडे भूनने के लिए आ गए थे, तो हस्बैंड ने यहाँ पे आग जला दी थी, और उपले वगैरह वहीं से लेकर के आए हुए थे, वो खेत वाले भैया थे तो उन्होंने दे दिए थे जो हमारा खेत रखवाली करते हैं। तो यहाँ पे नींबू वगैरह काट लिया था, नमक वगैरह लेकर के आई थी, नमक मिर्ची, तो आप लोगों के साथ में नमक मिर्ची की रेसिपी तो मैंने शेयर ही करी थी। तो यहाँ पे देखिए आग जल रही है, और मौसम भी बहुत अच्छा है, मतलब कि बादल हैं और बहुत अच्छा वेदर है, तो इस वजह से भूनने के लिए बैठ गए हैं। और बेटू को भी बहुत अच्छे लगते हैं, पापा जी भी हैं, तो सभी लोग हैं अभी घर में, तो बस ये है कि भुन जाएंगे तो सब लोग खा लेंगे गरम गरम, और जिसको नहीं खाने होंगे तो ठंडे हो जाएंगे, तो उनके ये दाने निकाल करके और उसकी चाट बना दूंगी मैं, तो उस तरीके से खा लेंगे सब लोग, और उस तरीके से भी बहुत अच्छे लगते हैं। और अब तो क्या है ना कि भुंटे तो ये समय सीजन से पहले ही आ गए हमारे यहाँ पे, तो और जब इसका सीजन स्टार्ट होगा तब तक तो भुंटे हमारे यहाँ ख़त्म हो जाते हैं, तो हम लोग भी रेडीमेड लेकर ही खाते हैं। तो बस टेरिस में आ गई थी सारे काम निपटाने के बाद में, तो बस वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। वेदर देखो आप लोग कितना अच्छा है, चारों तरफ ग्रीनरी है और एकदम मतलब घने बादल से छाए हुए हैं। बारिश तो नहीं हो रही है, रात में हो गई थी हल्की फुल्की सी बारिश, तो वही है। और यहाँ पे हस्बैंड देखिए भुंटे छील रहे हैं, तो छील छील के रख रहे हैं, और मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर लूँ, क्योंकि आपसे बोला भी था मैंने कि आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए कितने देसी तरीके से बढ़िया भुंटे भुंजे जा रहे हैं, और इस तरीके से भून के खाओ ना, काफ़ी सौंधे सौंधे से अच्छे लगते हैं, खाने में भी अच्छे लगते हैं, और हेल्दी तो होते ही हैं भुंटे। तो बस वो यहाँ पे बस मैं पलट पलट के देख रही थी उनको कि सिक गए हों कि नहीं, तो बस यहाँ पे बैठे हुए थे, तो ये देखिए भुंटे भुनते जा रहे हैं, और बस इनका खाना स्टार्ट हो जाएगा, तो जब अभी खाएंगे तो आप लोग के साथ में शेयर करेंगे। तो देखिए बस ऐसे रख दिए हैं यहाँ पे, तो बस आप लोग भी देख लीजिए, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो फ्रेंड, यहाँ पे भुंटे भुंज करके रेडी हो गए हैं, और देखिए कुछ इस तरीके से भुन गए हैं, तो अभी एक ही भुना है और एक दो और निकाल रहे हैं हस्बैंड, देख रहे थे पलट करके कि भुने कि नहीं, तो बहुत अच्छी तरीके से भुन गए हैं, और बहुत सॉफ्ट है ना दाने, इनके सॉफ्ट हैं अभी, टाइट नहीं है, तो इस वजह से ऐसे हैं। इनको पोंछ लूँगी मैं, इसी के जो कवर रहता है इनमें जो चढ़ा रहता है पत्ते का, तो वो उससे मैं पोंछ के और बस इसमें नींबू नमक वगैरह लगा करके बस खाऊँगी। और आप लोग भी आ जाइए, सब लोग खा लीजिएगा आकर के, और काफ़ी टेस्टी लगते हैं, अपने घर की चीज़ घर की ही होती है, तो हमारे खुद के खेतों के हैं ये भुंटे, तो बस आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया कि देखिए हमारे यहाँ पे सारी खेती हो जाती है, जो भी फसल होती हैं सब हो जाती हैं, बस एक दो फसल छोड़ करके। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसमें मैंने नींबू लगा दिया है, और सॉल्ट लगा दूँगी यहाँ पे, तो बस यहाँ पे बस खाने के लिए रेडी है गरम गरम, तो बस देख के ही मुंह में पानी आ रहा है मेरे तो खाए थे तो खाने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और आप मेरे वीडियो देख सकें। सो फ्रेंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।